तो यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आई है। 12वीं के एग्जाम को लेकर मई के आखिर तक जो है निर्णय आएगा, तो हाई स्कूल पर इसका क्या असर पड़ेगा आपको ये भी आपको बताएंगे। तो डिप्टी सीएम ने ये बात कही है, उत्तर प्रदेश की 12वीं कक्षा के परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय जो होना है वो इस महीने के आखिर तक लिया जा सकता है। और इस बात की जानकारी सूबे के डिप्टी सीएम जो है दिनेश शर्मा जी, उन्होंने ये इस बात की जानकारी दी है। तो यूपी बोर्ड में 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय जो है आप समझ सकते हैं कि जो मई चल रहा है, तो मई के जो है एंड में, पहले कहा जाता है जून के पहले सप्ताह में, तो जून के पहले सप्ताह में जो है, अब देखिए अगर 12वीं का आता है एंड में तो सीधी बात है भी हाई स्कूल का भी जो है उसी में आ जाएगा। तो इस बात की जानकारी जो है सीएम, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दी है। उनका कहना यह है कि सरकार कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति का विश्लेषण कर रही है और जल्द ही 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की स्थिति के विश्लेषण के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की जाएगी और उसके बाद 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय इस महीने के आखिर तक लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही पेपरों का प्रिंट करवा लिया है एवं डिकोडेड कॉपियों का सेट भी जो है तैयार हो चुका है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 8513 केंद्र आवंटित किए गए हैं। COVID-19 की स्थितियों का विश्लेषण किया जा रहा है और उसके बाद परीक्षाएँ 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसका पूरा जो तैयारियां वो कर चुके हैं, सेंटर्स भी बना चुके हैं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने जानकारी दी कि रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई बैठक में देश भर के 90% राज्यों ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने की मांग की है, क्योंकि विद्यार्थियों के आगे की पढ़ाई के लिए 12वीं के रिजल्ट को गिना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय लिए जाने के बाद जल्द ही यूपी बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तारीख की घोषणा करेगा। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि जब शिक्षा विभाग 12वीं की परीक्षाओं की तारीख को अंतिम रूप दे देगा तो स्वास्थ्य विभाग यह देखेगा कि केंद्र में कोविड प्रोटोकॉल कैसे बनाए रखा जाए। तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम है भाई इसके एंड में आने की चांसेस हैं, जो मई के एंड में इंटर के, तो हाई स्कूल का फैसला जो है जून के पहले सप्ताह में कहा गया है, लेकिन जैसे ही इसका फैसला आता है मुझे लगता है तुरंत जो है हाई स्कूल का फैसला आ जाएगा। तो आप भाई अभी तैयारी करते रहिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा चैनल आर्कज़न स्टडी। थैंक यू।